Good morning, viewers. Welcome back to GB Educator. This is your educator Gami Bogo. So this video will be the continuation of our second chapters of biology class 12, which was your sexual reproduction in plants. Okay. In previous video, we have talked about the male and female reproductive organs in the plant. And so in this video, we'll be talking about the outbreeding devices, pollen-pistil interaction, artificial hybridization, and double fertilization. Okay, so video ज़्यादा लंबा तो होना नहीं चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले when the question asks what is outbreeding devices, आपको 5 marks के लिए पूछ लिया, ठीक है? तो उसमें हम लोगों का दिमाग जो है ना एकदम blank सा रहता है और इसको आप जब तक खुद से दिमाग में नहीं समझ आता है तो लिख नहीं पाता ये दिस इज ऐसे काइंड ऑफ ऐसे ही टॉपिक है ठीक है तो एक बार इसको अच्छा से सुनिएगा एंड देन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एंड मेक अ नोट आउट ऑफ इट तो क्या होता है कि ज्यादातर में जो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है दे प्रोड्यूस हर्मोप्रोडाइट फ्लावर्स हर्मोप्रोडाइट फ्लावर्स का मतलब क्या है हर्माप्रोडाइट फ्लावर्स का मतलब है जहां पे आपका दोनों मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहता है ओके तो वही कहना चाह रहे हैं ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में दे प्रोड्यूस हर्माप्रोडाइट फ्लावर्स एंड पोलन ग्रेन्स तो ऑब्वियस ये ऑब्वियस का बात है कि जब आपका एक ही प्लांट में दोनों मेल एंड फीमेल ऑर्गेन प्रेजेंट होगा तो उसमें आपका जो पोलन ग्रेन जो होगा वो स्टिग्मा में एक ही फ्लावर का स्टिग्मा में बैठने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा जिसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं ऑटोगेमी के नाम से भी जानते हैं है ना तो वही बता रहे देखिए मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माप्रोडाइट फ्लावर्स एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर कंटिन्यूड सेम पोलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन अभी ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है देखो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है सेम स्पीसीज सेम प्लांट के बीच में ब्रीड कर जाना तो ऐसा माना जाता है कि जब सेम स्पीसीज के सेम इंडिविजुअल के बीच में ब्रीडिंग ज्यादा कंटिन्यूसली होना तो उसमें प्रोडक्टिविटी में लॉस होने का चांसेस दिखते हैं और जो फर्टिलिटी होता है ऑफस्प्रिंग का वो बहुत कम रहता है ठीक है तो वही वही बता रहे जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा होता है बोलते हैं ना क्लोजली रिलेटेड सिबलिंग्स लुक से आपको मैरिज नहीं करना चाहिए बिकॉज द ऑफस्प्रिंग द प्रोडक्ट ठीक है वो जो मतलब बच्चा जो है कुछ ना कुछ जेनेटिक्स में मतलब इन जेनेटिक्स जेनेटिकली मतलब डिजेबल वाला भी हो जाता है या फिर मतलब अगर अपीयरेंस की बात करेगा तो ज्यादा सुंदर भी नहीं होता है ना ये सब ऐसे बात होते हैं ये जेनेटिकली भी प्रूव्ड है इनफैक्ट इसीलिए तो बोलते हैं मतलब कॉकटेल जो बच्चा जो होता है एकदम सुंदर सा होता है ना तो वो है उसी तरह है यू कैन रिलेट दैट सेम टर्म हियर इन दिस प्लांट एज वेल आपको क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में आपको अगर ब्रीडिंग किया जाता है तो उसमें जो प्रोडक्टिविटी होते हैं वो ज्यादा मतलब प्रॉफिट दिखता नहीं है ठीक है लॉस दिखते हैं एंड द ऑफस्प्रिंग का जो फर्टिलिटी होते हैं वो भी कम दिखते हैं द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन तो वही है सेल्फ पॉलिनेशन अगर आप कंटिन्यूस किया करे जाएगा तो उसमें ऑफस्प्रिंग का फर्टिलिटी इन फ्यूचर वो लॉस होने का चांसेस रहता है एंड लेस प्रोडक्टिविटी हो जाता है इसीलिए द साइंटिस्ट द बॉटनिस्ट दे हैव यू नो डेवलप्ड अ डिवाइस टू एनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन यानी एक प्लांट को दूसरा प्लांट के बीच में ब्रीड करना है ना इन सम स्पीसीज तो डिवाइसेस क्या क्या है देखते हैं सबसे पहले इन सम स्पीसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड मतलब जब आपका पोलन रिलीज पोलन जो है जब डिहाइस हो जाएगा तो उसी समय में आपको स्टिग्मा स्टिग्मा भी तो रिसेप्टिविटी होना पड़ेगा ना मतलब रिसीव करने के लिए आपका वो पोटेंशियल होना पड़ेगा ना ठीक है तो उसी को सिंक्रोनाइज बोलते हैं मतलब जब आपका पोलन पोलन ग्रेन का रिलीज होगा एट द सेम टाइम आपका स्टिग्मा का भी स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी भी तो मतलब बराबर होना चाहिए ना तो लेकिन वो चीज जो नहीं होता है Either the pollen is released before the stigma becomes receptive, or stigma becomes receptive much before the release of pollen. ठीक है, दोनों एक ही समय में नहीं चल रहा होता है, ठीक है? तो जिसका कारण आपको क्रॉस पॉलिनेशन होने का चांसेस भी दिख सकेगा, है ना? तो वही बता रहे हैं। इधर यानी
ऐसे भी हो सकता है कि जो पोलिन होता है वो पहले रिलीज कर जाएगा बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, है ना, एंड द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। ठीक है, ये सब समझाने का बात नहीं, आप एक बार गो थ्रू करो, रीड करो, समझ आ जाएगा, है ना। मतलब दोनों जो पोलन ग्रेन का जो रिलीज और जो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी होता है दोनों बराबर नहीं चल, एट द सेम टाइम नहीं चल रहा होता है। ठीक है, एंड देन इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कंटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ओटोगेमी, है ना। ओटोगेमी क्या था, रिकॉल करो, लास्ट वीडियो में हमने बताया था ऑटोगेमी, जहाँ पे पोलन ग्रेन का जो सेम प्लांट है ना, एंड द सेम फ्लावर का जो पोलन ग्रेन होता है वो सेम फ्लावर का स्टिग्मा में जाके बैठे, उसी को ऑटोगेमी बोलते हैं, है ना। तो वही है, जो आपका एंथर एंड स्टिग्मा होता है उसको डिफरेंट पोजीशन में प्लेस किया जाता है टू प्रिवेंट ऑटोगेमी। ठीक है, एंड देन द थर्ड डिवाइस वो है आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलन, यानी फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग द पोलन जर्मिनेशन और अ पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टेल। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ये डिवाइस क्या होता है, यहाँ ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, जीन्स, ठीक है, जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कि सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करता है ना। कैसे सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करता है, बाय इनहिबिटिंग व्हाट, बाय इनहिबिटिंग द पोलन जर्मिनेशन, या फिर जो पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है पिस्टील में उसको इनहिबिट करना। ओके, एंड देन अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब होता है जहां पे आपको मेल एंड फीमेल फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट रहेगा एट द सेम प्लांट, सच एज कैस्टर एंड मेज। इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी, ध्यान में रखिएगा, ये जो सेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है वो आपका ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है, लेकिन वो जेटोनोगेमी को कभी प्रिवेंट नहीं करता है। जेटोनोगेमी का मतलब क्या है कि एक फ्लावर है ना, जेटोनी का मतलब जेटोनोगेमी का एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर में जाएगा लेकिन ऑफ द सेम प्लांट। ऑटोगेमी क्या था, सेम प्लांट, सेम फ्लावर और सेम प्लांट, है ना, वो ऑटोगेमी है। यूनिसेक्सुअल याद रखो, बोलते हैं ना यूनिसेक्स पार्लर, यानी उसमें मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वो पार्लर खोलेगा, तो इसी तरह मतलब आप रिलेट कर सकते हैं चीज को। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब जहां पे आपका मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट रहता है एट द सेम प्लांट। ठीक है, एंड देन क्या है, इन सेवरल स्पीसीज जैसे आपका पपाया हो गया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स हो गया, ठीक है, दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, दिस दैट इज इच प्लांट इज इधर मेल और फीमेल, यानी इसको डायोसियस बोला जाता है। ठीक है, दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड जेटोनोगेमी। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्लांट होता है जो इधर लड़की होगा या फिर लड़का होगा, क्यों, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ मेल या फिर फीमेल पाया जाएगा। ठीक है, एक प्लांट में आपको मेल या फिर फीमेल दोनों प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसको डायोसियस प्लांट बोला जाता है। तो एग्जाम्पल में आप पपाया को याद कर सकता है ना, और यही जो डायोसियस जो प्लांट है उन लोग ऑटोगेमी एंड जेटोनोगेमी ये दोनों कंडीशन को प्रिवेंट करते हैं। दे एनकरेज व्हाट, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, ये दोनों तो आपका क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, तो वही है डायोसियस जो है किसको एनकरेज करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करता है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन यानी आप पोलन निकल रहे कहाँ से, आपका माइक्रोस्पोरेंजियम से निकला यानी मेल पार्ट, एंड देन आपका पिस्टिल जो है कहाँ से निकल रहा है, आपको फीमेल पार्ट, है ना। तो अभी ये जो मेल और फीमेल जो जिस इसका इंटरेक्शन कैसा होता है विल सी इन दिस स्लाइड। तो सबसे पहले तो जो पिस्टील होता है, ठीक है, दे हैव एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन कि क्या ये पोलन राइट टाइप वाला है यानी कंपैटिबल है, या फिर रॉन्ग टाइप वाला पोलन है यानी इनकम्पैटिबल है। और अगर राइट टाइप वाला पोलन अगर बैठ गया तो जो आपका पिस्टील है इट एक्सेप्ट द पोलन एंड बाद में पोस्ट पोलिनेशन के लिए, पोस्ट पोलिनेशन जो इवेंट्स होता है उसको आगे ले जाता है एंड फाइनली फर्टिलाइजेशन
कर जाता है। लेकिन अगर वो रोंग टाइप वाला जो पोलन है ना वो बैठ गया ना, तो जो पोलन जो पिस्टिल होता है वो रिजेक्ट करते हैं वो रोंग टाइप पोलन को, बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। ठीक है, दिस आर द टू यू नो प्रोसेस बाय विच द पिस्टिल रिजेक्ट्स द रोंग टाइप ऑफ पोलन। ठीक है, एंड देन The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between the pollen grain and the pistil. ठीक है, this dialogue, ये जो continuous जो dialogue है, is mediated by the chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. It is only in the recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil compounds, components. And the interactions leading to the recognition followed by acceptance or rejection. ठीक है, एंड देन जो आपका पोलन ग्रेन है इट जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। ठीक है, ये आपको याद है जब हम लोग पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर्स पढ़ा था, व्हेन वी स्टडीड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, तो वहां पे आउटर लेयर और इनर लेयर था, आउटर में स्पाइकी ऐसे 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 करके था, है ना। उसके बाद लेकिन एक ऐसे जगह था यहाँ पे आपका स्पोरोपोलेन ही नहीं होता था एग्जाइन में, और वही 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 पोर से आपका, उसको क्या पोर बोलता था, जाम पोर बोलता था, और वही पोर से आपका पोलन ट्यूब निकाल रहा है ना। तो वही वही है ये, जो आपका पोलन ग्रेन है इट जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। द कंटेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी। ठीक है, इसका जो प्रॉपर जो डायग्राम है नेक्स्ट पिक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड्स में हमने डाल रखा है, उसमें भी हम लोग एक बार समराइज करके पढ़ते हैं। दिस इज अबाउट द थियोरी पोर्शन। ओके, इन सम प्लांट पोलन ग्रेन्स आर शेयर्ड एट टू सेल्ड कंडीशंस, है ना। तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, कभी कभी जो आपका पोलन ग्रेन्स होता है वो टू सेल स्टेज में यानी टू सेल कंडीशन में शेड करते हैं, अपने रिलीज करते हैं पोलन को, और ऐसे प्लांट होता है कभी कभी थ्री सेल कंडीशन में उन लोग जो अपना पोलन को डिहाइज करते हैं, है ना। तो जब टू सेल कंडीशन में उन लोग अपना पोलन ग्रेन्स को शेड करते हैं, इसमें क्या होता है, तो जो जेनरेटिव सेल जो था इट डिवाइड्स एंड फॉर्म टू मेल गैमिट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। ठीक है, इन प्लांट्स फिर क्या होता है, इन प्लांट्स जहां पे थ्री सेल कंडीशन में पोलन को सेट करेगा तो आपका जो पोलन ट्यूब्स होता है इट कैरी द टू मेल गैमिट्स। ठीक है, इनों का स्टेप समझो आप, एंड देन जब पोलन ट्यूब होता है आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू अ फिलीफॉर्म अपेरेटस। फिलीफॉर्म एपरेचर्स का याद है आपको फंक्शन क्या था, टू गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, है ना। टू गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब किसका काम था, फिलीफॉर्म एपरेचर्स का काम था। ऑल दिस इवेंट्स, ये जितना भी इवेंट्स है फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब्स एंटर द ओव्यूल आर टुगेदर रिफर्ड टू एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और इसके बाद जो इवेंट्स होगा वो आपका फर्टिलाइजेशन के बात करेगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बात करते हैं। ओके, देखो पोलन पिस्टिल जो इंटरेक्शन होता है ये एक डायनामिक प्रोसेस है व्हिच इन्वॉल्व्स रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पोलन, है ना। वही है, एक डायनामिक प्रोसेस इसीलिए बोला जाता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को, क्योंकि सबसे पहले पोलन बैठेगा स्टिग्मा में, फिर उसको पिस्टिल जो है उसको रिकॉग्नाइज करेगा ये रॉन्ग टाइप है ना राइट टाइप है ना। अगर राइट टाइप है तो उसको प्रमोट करेगा फर्दर स्टेप्स के लिए, है ना, फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन अगर वो रॉन्ग टाइप बैठ गया तो पोलन ग्रेन को फर्दर मूवमेंट के लिए इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो यही है आपका पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। सी दिस इज द फिगर, ये एक फिगर है आपका पोलन ट्यूब को दिखा रहे, देखिए ये आपका पोलन ग्रेन्स है, दिस स्मॉल जो रेड रेड जो दिख रहा है, देखो यहां से आपका पोलन ट्यूब निकल आ रहा है ना। याद है आपको ये है, दिस इज योर एग्जाइम, है ना।
ये आपका पोलन ग्रेन है, दिस इज योर पोलन ग्रेन, दिस इज योर एग्जाइन, और यहाँ पे एक ऐसा पोर है, जर्म जर्म पोर, और यही जर्म पोर से आपका निकल आ रहा है व्हाट, पोलन ट्यूब, वही दिखा रहा है यहाँ पे, वही केस दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पोलन ट्यूब ऐसे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, फिर ओवेरी में फ्यूज हुआ, एंड देन ओवेरी के अंदर में देखो यहाँ पे आपका एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, यहाँ पे आपको एग मिलेगा, एग एपरेटस मिलेगा, ठीक है, तो ये सब है। ये देखो मेल गेमिट्स बोला ना, जेनरेटिव सेल्स जो आपका टू मेल गेमिट्स में डिवाइड होता है, तो ये देखो ये मेल गेमिट्स अभी जा रहा है, एक यहाँ पे एक के साथ जाके फ्यूज कर जाएगा, और दूसरा किधर जाएगा, इधर लार्ज सेंट्रल सेल में चला जाएगा, यहाँ ये डायग्राम में देखिए, एक जो सेल है वो इधर, एक जो मेल गेमिट है वो इधर एग सेल के साथ जाके फ्यूज कर जाएगा, फिर बाद में जाइगोट फॉर्मेशन देगा, है ना, एंड देन एक दूसरा सेल मेल गेमिट जो है इधर लार्ज सेंट्रल सेल में चला जाएगा, ठीक है। आपको पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन पूछेगा तो आपको ये तीनों डायग्राम बता देना, ठीक है, ये तीनों डायग्राम सुंदर से, इफ नॉट दिस टू डायग्राम ऑल्सो, आपको ये वाला डायग्राम तो कंपलसरी है, दिस डायग्राम इज मैंडेटरी, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों का नया टॉपिक है अभी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यानी जो क्रॉप होता है उसमें जो कुछ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जैसे कि हॉर्टिकल्चर को लेके हम लोग बात कर सकते हैं, तो क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में आपका जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें होता क्या है, ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज फॉर द पोलिनेशन, ठीक है, एंड जो स्टिग्मा होता है इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन, यानी अनवांटेड जो पोलन ग्रेन्स होता है उससे प्रोटेक्शन रखता है, ठीक है, स्टिग्मा को, एंड ये जो प्रोटेक्शन वगैरह करता होता है स्टिग्मा को, और जो डिजायर पोलन ग्रेन्स ये सब होता है, दिस ऑल आर अचीव बाय द टेक्निक्स नोन एज इमास्कुलेशन एंड बैगिंग, ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, विल सी इन दिस नेक्स्ट पैराग्राफ, ये जो इमास्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक क्या होता है, ठीक है, तो आपको वाइवा में पूछ दिया है ना, आपको प्रैक्टिकल वाइवा में कभी कभी एग्जामिनर्स लोग पूछ देते हैं ना बुक से भी, तो डरो मत, ठीक है, अच्छा से ये स्लाइड्स एक बार सुनना, इमास्कुलेशन क्या है, इनकेस आपको पूछ देगा तो आपको सिंपल वे में बताना है, इट इज अ रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर फ्लावर बड, ठीक है, बिफोर द एंथर डिहाइसेस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स, ठीक है, कभी क्या होता है कि कभी कभी जो फीमेल पेरेंट जो होता है वो जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बियर करता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में जहां पे आपका दोनों सेक्स प्रेजेंट होगा, मेल एंड फीमेल इन द प्लांट, यानी एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड दिस वन पिस्टिल ना, तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो एंथर का जो रिमूवल होता है, ठीक है, एंथर का रिमूवल होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में, ठीक है, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड एज इमास्कुलेशन, सिंपल, एंड जो इमास्कुलेटेड फ्लावर्स होता है दे हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुइटेबल साइज, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर, ठीक है, ये भी याद रखना है, बटर पेपर, बटर पेपर से बना हुआ एक बैग होना चाहिए ऑफ अ सुइटेबल साइज, ठीक है, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विथ अनवांटेड पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स, दिस इज कॉल्ड बैगिंग, व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर्स अटेन्ड रिसेप्टिविटी, मोर पोलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम एंथर्स ऑफ द मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डिवेलप, यानी क्या होता है देखो, ये हम लोग का हो गया स्टिग्मा, ठीक है, और ये हो गया एंथर, ये भी हो गया एंथर यानी मेल पोर्शन, है ना, तो इसको तो यहाँ से कट देगा, इसको भी कट देगा फोर्सेप के वो से, एंथर को रिमूव कर देगा ना, तो इसको इमास्कुलेशन बोलते हैं, तो यहाँ पे हो गया स्टिग्मा, स्टिग्मा पे ही तो आके आपका बैठेगा पोलन, है ना, तो इसको एक स्टिग्मा को दूसरा जो कंटामिनेट जो पोलन ग्रेन है यानी अनवांटेड पोलन ग्रेन जिसको हम बोलते हैं, उसको हम लोग नहीं बैठने के लिए क्या करते हैं, एक सुइटेबल सा एक प्लास्टिक बैग लेते हैं, ठीक है, एक सुइटेबल सा प्लास्टिक बैग लेते हैं, और उसके बाद इसको कवर किया जाता है यानी बैग किया जाता है, सो दैट
अनवांटेड पोलन ग्रेन डजेंट कम एंड सिट अंडर स्टिग्मा, क्योंकि हम लोगों को चाहिए सिर्फ डिजायर्ड वाला, है ना। तो अगर हम लोग को, अगर हम लोगों का जो बैक्ड वाला जो स्टिग्मा है, इसका ये जो मैच्योर हो गया है ना, एंड दे आर यू नो रिच देयर रिसेप्टिविटी स्टेज, तो हम लोग मेल पेरेंट्स से क्या करेगा, मेल पेरेंट्स से हम लोग जो भी मेल पेरेंट्स यानी योर डिजायर पोलन ग्रेन, उसको बैग को आराम से निकाल के इसको पोलन को यहाँ पे डस्ट कर देना है, एंड देन यू हैव टू री बैग, वापस आपको बैग को कवर कर देना है। ठीक है, सिंपल सा स्टेप है यहाँ पे, दिस इज द वे टू यू नो अचीव योर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। एंड इन द फीमेल पेरेंट, और ऐसा कुछ फीमेल पेरेंट होता है जो कि प्रोड्यूस करता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी इधर मेल होगा फ्लावर या फिर फीमेल होगा, दोनों मेल एंड फ्लावर फीमेल प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसमें तो आपको इमस्कुलेशन का तो जरूरी है ही नहीं, है ना, इसमें तो आपको नो नीड ऑफ इमस्कुलेशन, क्यों, क्योंकि आपको क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है ना, तो ऑब्वियसली यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो ऑब्वियसली आपस में क्रॉस पॉलिनेशन ही तो करेगा, है ना। एक फ्लावर अगर मेल है तो इसको फीमेल बाहर से ही तो आना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें आपको इमास्कुलेशन का कोई जरूरी नहीं पड़ता। द फ्लावर द फीमेल फ्लावर बड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन, एंड व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव पोलिनेशन इज कैरीड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पोलन एंड द फ्लावर रीबैग्ड। सिंपल सा लैंग्वेज है, ठीक है। एंड देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पूछ देता है, ठीक है, ये सीबीएसई का एकदम सा पैट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, इलस्ट्रेट विथ सुइटेबल डायग्राम्स, ठीक है, ऐसा करके दे देगा। तो आपको सुइटेबल डायग्राम में सुंदर सा डायग्राम बना के इसको समझा देना है बस। आफ्टर देखिए, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स द पोलन ट्यूब रिलीजेस टू मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स, ठीक है। वैसे तो हम लोगों का टू सिनर्जिड्स होता है एंड वन एग सेल होता है ना, तो जो पोलन ट्यूब होता है इट रिलीजेस टू मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स, याद रखना। एंड जो वन ऑफ द मेल गैमेट्स होता है इट मूव टुवर्ड्स द एग सेल एंड फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस दस कंप्लीटिंग द सिनगैमी। सिनगैमी मींस नथिंग बट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो वही है, एक मेल गैमेट जो है सिनर्जिड से कहाँ गया, एग सेल में गया, उसके बाद फर्टिलाइज हो गया, है ना, यानी सिनगैमी कंप्लीट कर दिया। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लोइड सेल्स जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, है ना। एंड देन द अदर मेल गैमेट्स किस तरफ मूव करता है, पोलर न्यूक्लिया के तरफ मूव करता है व्हिच इज लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल, है ना, एंड फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जिसको हम लोग पैन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो फर्टिलाइजेशन दो जगह हो रहा है। देखिए, एज दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ ट्री हैप्लोइड न्यूक्लियाई इट इज टर्म ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, इसको ट्रिपल फ्यूजन इसीलिए बोलता है क्योंकि ऑलरेडी पोलर सेल में हम लोग ने पढ़ा था दो दो न्यूक्लियाई होता है ना, दो न्यूक्लियाई होता है, और अभी मेल गैमेट जाके फ्यूज करने से कितना न्यूक्लियाई हो जाएगा, तीन न्यूक्लियाई हो जाएगा, इसीलिए इसको ट्री हैप्लोइड न्यूक्लियाई यानी इट इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। सिंस देयर इज अ यू नो सिंस टेक प्लेस इन एन एम्ब्रियो सेक द फिनोमिनन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, ये लैंग्वेज क्या है, थोड़ा गड़बड़ सा हो गया है ना, इसको आप ऐसे लिखिएगा, सिंस देयर इज एन यू नो अकरेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन, ठीक है, सिंस देयर इज एन अकरेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन, कौन कौन सा टाइप है, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी किसके साथ हो जा रहा था, सिनगैमी आपका एग के साथ हो रहा था, यानी आपका एक मेल गैमी जो है एग सेल के साथ हो रहा है, तो सिनगैमी हो गया। एंड देन ट्रिपल फ्यूजन कहाँ देखा है, जो आपका एक मेल गैमिट होता है वो किसके पास जा रहा है, पोलर सेल के साथ जा रहा है ना, तो हो गया दो, एक हो गया सिनगैमी एंड दूसरा ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और यहाँ पे जो सेंट्रल सेल है आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यही जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है इट फर्दर डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, ठीक है, व्हाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, यहाँ पे आपका जाइगोट है,
ठीक है, तो वही याद रखना है आपको, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो ट्रिपल फ्यूजन के साथ, ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है, वो फर्दर जाके क्या में डेवलप हो जाता है, एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है। और उसके बाद जो जाइगोट जो सिनगैमी में प्रोड्यूस हुआ था, इट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। डन, तो यही है पिक्चर, देखिए। जाइगोट, यहाँ जाइगोट 15 एक मेल गैमेट एक सेल के साथ जाके फ्यूज हुआ था, डिप्लोइड बन गया, है ना, डिप्लोइड जाइगोट बन गया। और ये जो पैक है यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है, बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है, यानी ट्रिपल फ्यूजन के बाद ये बाद में आपका एंडोस्पर्म बन जाता है। एंड देन आपका जो एंटीपोडल सेल्स और जो जो सिनर्जिट्स होता है, वो बाद में जाके फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाता है, डीजेनरेट कर जाते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप यू हैव बेनिफिटेड सो मच टू दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, थैंक यू।